जोशीमठ की जो घटना है वाकई एक आई ओपनर भी है और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं और सारा जो है अलग अलग जो है इसमें रीजंस है जिस कारण आज जोशीमठ जो है इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट भी इसका एक कारण है, परंतु खाली हाइडल प्रोजेक्ट ही एक कारण ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था 1976 में भी जो है जब प्रोजेक्ट्स नहीं थे वहाँ पर, उस समय भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ जो है बहुत ही एक फ्रजाइल इलाका है और ग्लेशियर के जो अवशेष है उस पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का इलाका आता है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बने और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टों में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में भी हो चाहे उत्तराखंड में भी हो, जो प्रोजेक्टों को जो टनलिंग का काम है वो जो है हम सस्ते के चक्कर में गए हैं। बारूद यहाँ पर सस्ता है और बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा हम टनलों का निर्माण करते रहे हैं और इसके कारण जो है बहुत जो है ऊपर की ज़मीन में जो दरारें पड़ना या जो ऊपर के जो टनल के ऊपर पहले के बने हुए जो भवन है उनको भी नुकसान हुआ है। और जब मैं पहली बार MLA बना था 1995 में तो हमारा नदपा झाखड़ी प्रोजेक्ट जो है ये आखिरी स्टेज पर था, तो उस समय बहुत लोगों में रोष था कि जो 29 किलोमीटर का जो टनल था नदपा से लेके झाखड़ी का, उसके जो बीच में जहाँ जहाँ जो टनल के ऊपर गांव आते थे उनमें क्रैक्स मतलब उस समय भी डेवलप हो रहे थे, परंतु उस समय ये प्रोजेक्ट वाले मानते नहीं थे। उनका ये कहना था कि ब्लास्टिंग से जो है ओवरहेड कोई नुकसान नहीं होता, तो शायद हमने पहली बार जो है वहाँ पर एक साइंटिफिक सर्वे कराया कि ऊपर जो है टनल के जो ऊपर के जो कहीं भवन है या कोई अन्य जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान होता है नहीं होता। तो कंपनी ने उस समय NJPC ने जो है एक कोई बेंगलोर की कोई कंपनी को एंगेज किया था उसको स्टडी करने के लिए और उनका रिपोर्ट जो है तकरीबन नेगेटिव आ रहा था कि कुछ नहीं होता। हम उस समय इस बात को हमने नहीं माना, हमने दोबारा से वही कंपनी जो इसका रिपोर्ट दे रही थी उनको बुलाया और टनल के नीचे जो है अंदर जितना बारूद डालते थे एक एक होल में ब्लास्टिंग के लिए पूरा डालने भेजा, अपने लोग भी रखे और ऊपर जो सिस्मोग्राफ लगाए थे वहाँ भी अपने लोग रखे। तो उसमें जो है जब ब्लास्टिंग किया तो ऊपर सिस्मोग्राफ का जो है सुइयां घूमने लगी, तो उससे इन्होंने माना कि भाई ऊपर जो है टनलिंग करने से जो है नुकसान होता है और पहली बार जो है इस प्रोजेक्ट में कोई 3.5 करोड़ के करीब लोगों को मुआवजा जो है छोटे छोटे क्रैक्स थे जो मकानों के थे या जो दरारें पड़े थे उसका मिला है। तो ये सही है कि मतलब इस किस्म के अनसाइंटिफिक टनलिंग से जो है नुकसान होता है। हम तो उसी ज़माने से कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा लंबा टनल का अगर काम होना है उसको TVM के माध्यम से किया जाए। TVM बड़ा सेफ वो साइंटिफिक तरीका है। आज हमारे जितने भी मेट्रो में रेलवे का काम हो रहा है, मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, ऊपर जो है आपके बहुत जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, स्काईस्क्रैपर्स है, उसके नीचे से भी सुगमता से जो है टनल बन रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर हमने पर्यावरण को बचाना है तो हमें जो है मॉडर्न तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा, ये मैं जो है कहना चाहता हूँ। इन्हीं सारी घटनाओं को देखिए, जैसे आपका उन्नी का इलाका होगा, निगलसरी वाला इलाका होगा, आपका सपने भी कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, रीजन इसका ये भी कह रहा कि अनसाइंटिफिक एक्सकवेशन हो रहा है। तो क्या अब लोग तो कह रहे हैं कि अगर जोशीमठ जैसे हालात हो गए तो वी से नो मीन्स नो प्रोजेक्ट, ब्लैंकेट बैन लगाना तो संभव है क्या? नहीं, अब आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। अगर हमने अपने जो है अपने को सर्वाइव भी करना है, इकोनॉमिक रूप से सर्वाइव भी करना है, हमें जो पर्यावरण के साथ दोस्ताना जो है ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। और आप जो मेरे किन्नौर के जो स्पेसिफिक नाम गिन रहे हैं, अब ये सारे प्रोजेक्टों से नहीं है लिंक। ये जो आपका उर्नी वाला जो आप बता रहे हैं 1982 से पहले भी जो है वहाँ पर लगातार ब्लॉकेट्स होते रहे। अभी ठीक है कि इसके नीचे से जो है करछम वांगतू का प्रोजेक्ट का टनल भी जा रहा है, उसने इसको जो है और ज़्यादा जो स्लाइड था उसको ट्रिगर जरूर किया है। और जहाँ पर अभी आपका
इसकी बात कर रहे हैं आप सापनी का, सापनी के नीचे से कोई टनल नहीं है, वहाँ का स्लाइड के रीजंस डिफरेंट है और डिफरेंट इलाके में डिफरेंट है। जहाँ टनलिंग है एक पार्ट, मैं बिल्कुल कहता हूँ टनलिंग एक बिल्कुल एक मुद्दा है वहाँ पर हर जगह पर टनल नहीं है। अभी आप पीछे बटसरी में हादसा हुआ, बटसरी में कोई टनलिंग का काम नहीं हुआ है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो अब लोगों को जानकारी नहीं है। और ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये ऐसा नहीं है। हिमाचल में कोई 1500 से ज़्यादा प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर स्लाइड्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो है स्लाइड्स उसके कारण हो रहे हैं प्रोजेक्टों का, एक कुछ कुछ इसमें से प्रोजेक्ट्स का भी है और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं। क्या लोगों को भी और कंपनीज को भी हम दोनों को मोटिवेट करेंगे कि वी नीड टू बी साइंटिफिक और प्रोजेक्ट्स भी लगने चाहिए, जोशी मठ जैसे हालात ना हो इसको लेके भी क्या एक अवेयरनेस कैंपेन होगी? अब जोशी मठ के तरह जो एक आप कहेंगे कि 2010 में रेकॉन्ग पीओ जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी बहुत सारी इमारतें जो है सिंक कर गई, दो चार बड़े बड़े इमारतें तो गिरी गई उसमें, पर उस हमारे रेकॉन्ग पीओ के नीचे से कोई टनल नहीं है, परंतु वहाँ पर रीजन जो है डिफरेंट है। अब उसको साइंटिफिकली अगर आप उसको स्टडी करेंगे किस तरह से वहाँ का पानी का रिसाव है या कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे गांव में कई जगह पे जो है सीवरेज की दिक्कत है, कई जगह पे पानी की निकासी की दिक्कत है, कई जगह पे नेचुरल जो है स्लाइड्स हैं जिसको अनवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं है कि क्या कारण है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई जैसे उसमें पानी का रिसाव हो रहा है और ओवर ए पीरियड जो है पानी के रिसाव होने से जो है ये जो स्लाइड जो है ट्रिगर हो रहा है, या उसका टॉपोग्राफी ऐसा है, कई जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन है, वेल्डिंग का काम भी बहुत ज़रूरी भी है, और फिर उसमें भी हम लोग बारूद के द्वारा ही ब्लास्टिंग के द्वारा कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन से भी हो रहा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर और जो भी प्रोजेक्ट जहाँ भी बनाना चाहते हैं, चाहे हाइडल है चाहे सीमेंट है चाहे कोई भी है, हर एक का जो है पहले एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। करने को तो अब भी हो रहा है परंतु वो प्रॉपर नहीं है लगता है। सब कुछ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समझता हूँ कि जोशी मठ जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। फाइनली आप इसको फोकस एरिया बनाएंगे, जो स्टडीज हो रही है वो कंप्लीट हो और उसका रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, सो देट आगे का जो नेक्स्ट फेज है कंस्ट्रक्शन या जो भी काम का। हाँ, इसमें यही है कि जब एक आध घटना होती है तो हम सब जाग जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं चाहे प्रेस है, परंतु जो लंबे अरसे से हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है उसको जो है प्रॉपर स्टडी करके हमें जो है उस पर काम करने की जरूरत है।